हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आज मेरा ये पूजा का ब्लॉग है, अभी नवरात्रा पूजन का ब्लॉग है और मैं घर में पूजा कर रही हूँ। सुबह का समय है और मेरे बच्चे ने भी अपने हैंड से दुर्गा माँ बनाए हैं। अच्छा ड्राइंग रूप में एक अच्छी दुर्गा माँ का पोर्ट्रेट को तैयार किया है और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके इसे बताएं कि मेरे बच्चे ने कैसे बनाया है और वो पूजा भी कर रहा है। पूजे की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से किया है और मैं भी उसके पूजे के इस पूजन में सहयोग कर रही। फिर मैं मंदिर में आई और नवरात्रा का समय है, मैं देवी माँ का पूजन किया। पूजन करके फिर बढ़िया से हुमात वगैरह किया, अच्छे से पूजन किया और पूजा करके देखिए ये हमारे मोहल्ला के दुर्गा जी है। फिर मैं घर आई, भगवान को गोर लगा और फिर नाश्ता बनाई। मैं बहुत थक चुकी थी दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा आराम किया और शाम के समय फिर मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए बाहर आई हूँ। और ये हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का ये बाज़ार है और वहाँ पर दुर्गा जी बैठा है। और सब जगह तो इस समय सब जगह लाइट ही लाइट है और इतना सुंदर दुर्गा माँ दृश्य है कि मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा माहौल लग रहा है। और सब जगह पूजा का और घंटी का और माँ का इतना अच्छा स्वरूप देखते बन रहा है और मैं देख रही हूँ। फिर पटना आई, पटना में मैं फिर वहाँ पे घूमी, वहाँ का देखिए ये सब पंडाल इतनी सुंदर सुंदर है, दुर्गा माँ का स्वरूप है। फिर मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे दुर्गा जी का ये सब माहौल है। और फिर देखिए काली मंदिर का पहला दिन का ये पट है दोस्तों, जो मैं ये पट खुला है और मैं उनका दर्शन कर रही हूँ। और दसवीं का समय है, उस दिन तो काम वाली नहीं आई, फिर मैं क्या करूँ, घर में झाड़ू पोछा खुद से लगाया और लगाने के बाद आज मेरा बेटा विसर्जन भी करेगा। और देखिए वो कितना सुंदर मर्मय दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है कि मैं क्या बताऊं। और देखिए ये विसर्जन मेरा बेटा कर रहा है। आज मैंने दशमी दोस्तों, और मैंने दाल भरा पूरी खीर सब्जी। आज के दिन वो सूरन भी बनता है पर नहीं मैं बना पाई। हैप्पी दशहरा दोस्तों।